एक्सपोर्ट के मामले में भारत लगातार सफलता का परचम लहरा रहा है। कुल रिकॉर्ड निर्यात के बाद बीते कारोबारी साल में भारत ने कृषि एक्सपोर्ट में नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब रूस यूक्रेन युद्ध के असर के बाद खाद्यान्न की जरूरतों के लिए कई देश भारत से आस लगाए बैठे, इससे उम्मीद यही है कि इस साल ये रिकॉर्ड फिर टूट जाएगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन का असर अब लगातार भारत के निर्यात पर नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत की तेज छलांग लगाने का सिलसिला जारी है। गेहूं चावल के दम पर 2021-22 में पहली बार भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात 50 अरब डॉलर को पार कर गया है। इसमें 2020-21 के 41.87 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 20% की जोरदार तेजी आई है। सरकार के मुताबिक निर्यात में हुए इस इजाफे से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल समेत कई और राज्यों को फायदा मिल रहा है। बीते 2 साल से कृषि प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में जारी तेजी से किसानों की आय सुधारने का भरोसा बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में चावल निर्यात 9.65 अरब डॉलर रहा है, जिससे दुनिया भर में चावल निर्यात के 50% हिस्से पर भारत का कब्जा हो गया है। गेहूं एक्सपोर्ट 273% बढ़कर 2.19 अरब डॉलर के आंकड़े के साथ 4 गुना हो गया है। चीनी का निर्यात 4.6 अरब डॉलर, बाकी अनाज का एक्सपोर्ट 1 अरब डॉलर से ज्यादा रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह से दुनिया भर के देश खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, उससे उम्मीद है कि 2022-23 में भारत के कृषि निर्यात नई ऊंचाई को छू सकते हैं। इसके साथ ही 2022-23 में जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात भी नई ऊंचाई पर पहुंचने को बेताब है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी GJEPC के मुताबिक हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से जेम्स और ज्वेलरी का कारोबार 1.5 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। इस समझौते से अगले 3 साल में एक्सपोर्ट मौजूदा 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 गुना होने का अनुमान है। जानकारों का भी मानना है कि इस करार से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए नए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से रत्न आभूषण उद्योग में नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। समझौते से रत्न आभूषणों का निर्यात बढ़ेगा। वर्तमान में भारत से ऑस्ट्रेलिया को 950 करोड़ यूएस डॉलर का निर्यात है, जिसके अगले 2 वर्षों में बढ़कर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया भारत से मुख्य रूप से पॉलिश हीरे और आभूषणों का आयात करता है और भारत ऑस्ट्रेलिया से कीमती धातुओं सोने और चांदी का आयात करता है। व्यापक रूप से देखा जाए तो इस समझौते से रत्न आभूषण उद्योग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही अब सरकार जल्द ही 6 खाड़ी देशों से कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने के लिए करार करने वाली है। ऐसे में भारत के निर्यात में इस साल जोरदार इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।